धर्महु लोकसभा सीट पर जिले भर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह से मतदान किया। 73% से अधिक मतदान पहुंचा। बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने ग्राम तारापुर विधानसभा धर्मपुरी के बूथ क्रमांक 135 पर पहुंचकर मतदान किया। इस अवसर पर सभी ने कहा कि भाजपा का विजय रथ इस बार राष्ट्र की उन्नति के लिए सबका साथ सबका विश्वास को लेकर विजय होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा तथा उनकी पत्नी धार विधायक नीना वर्मा ने धार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बूथ क्रमांक 49 ब्रह्मकुंडी धार में मतदान किया। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोबेल ने मनावर विधानसभा के ग्राम अमलाठा के बूथ क्रमांक 199 पर जाकर मतदान किया। इस अवसर पर राधेश्याम मोबेल ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर 2014 में मोदी सरकार आई थी उन सभी वादों पर खरी नहीं उतरी। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है, महंगाई कम करने की बात कर रही है और उसी को लेकर हम मतदाताओं के बीच में गए। कांग्रेस के ही गंधवानी विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपनी विधानसभा के बूथ क्रमांक 258 ग्राम बारिया में पहुंचकर मतदान किया। इसी अवसर पर उमंग सिंघार ने कहा कि देश में बदलाव होना चाहिए। जिस प्रकार संविधान को खत्म करने की बात की जा रही, लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक के चुनाव भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। आज प्रकृति ने भी कुछ हद तक साथ दिया। गर्मी से राहत होने से लोगों ने घरों से बाहर निकलकर उत्साह और उमंग के साथ मतदान में हिस्सा लिया। शाम 5 बजे से धार सहित कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश ने मतदान में खलल डाला। इस दौरान कई मतदान केंद्रों पर लाइट बंद होने से मोबाइल के टॉर्च जलाकर मतदान कराना पड़ा। खुद ने अपने आप को दूसरी बार वोट डाला है? देखो, वोट तो हम हर बार डालते हूँ, जब से 18 साल की हुई हूँ तब से डालती हूँ, पर लोकसभा के उम्मीदवार के होने के नाते ये दूसरी बार मैं डाल रही हूँ और सभी लोगों में उत्साह है और हम लोग उत्साह के रूप में इस बार मना रहे हैं। मोदी जी ने खुद में भी कहा है कि मतदान को उत्साह के रूप में मनाना चाहिए और लोगों में भी आज इंद्रदेव की कृपा है, नहीं तो भर गर्मी में रहती, लोग आने में थोड़ा उनको गर्मी में दिक्कत होती, पर आज बड़ा मौसम साथ दे रहा है और सभी की ईश्वर की कृपा है। कितने वोटों से जीतने का आपको आशा है? देखो, हम सभी का जिले से तो 5 लाख का लक्ष्य है। अब जो भी 5 लाख का लक्ष्य है, कितने हम उस 5 लाख को छुपाती हूँ मैं भी, और सभी का कितना सहयोग रहेगा ये देखा जाएगा 4 तारीख को। पता क्या लगता है आपको? आप जो देखो, जीत तो मैं जिस रोज टिकट हुआ उसी रोज से जीत तो हो गई है, पर अब लोगों का कितना प्रति, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का ज़्यादा यह है। प्रत्याशी तो एक माध्यम होता, पर मोदी जी के प्रति पूरे देश में एक लहर तरफ है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री होना चाहिए। सरकार बनती है तो क्या काम बाकी रहते हैं जो आप करेंगे, क्या प्राथमिकता? देखो, प्राथमिकता तो यह है कि जब से हमारे हैं तो धार जिले की रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन हालांकि गति से काम चल रहा, पर मेरे कार्यकाल में मैं पूरा करने की उसको कोशिश की, रेल एक बार इस बार धार जिले में दौड़ जाए, हमारे जंगल के लोग से बैठ जाए। और दूसरे जैसे मेरे समय में था इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, और ये दो कॉलेज खुल गई है और कॉलेज हम खुलवाना चाहते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य का जैसे गंधवानी जैसे क्षेत्र में अभी नहीं है, इसका मेरी प्राथमिकता रहेगी। अगर मैं बनती हूँ तो वहाँ एक स्वास्थ्य की सुविधाएँ होना चाहिए, जहाँ आदिवासी बेल्ट है, लोगों में दूर दूर जाने के लिए अस्पताल दूरी पर हैं, तो वो एक छोटी जगह हो जाए तो ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। पहली बार अपने आप को वोट दिया है, कैसा फील किया आपने? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक 25 साल का लंबा संघर्ष रहा, कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और आज पहली बार मैंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वोट दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मेरे बड़े नेताओं को, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जीत पटवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे और आप कितनी आशा है उन मुद्दों पर? मुद्दे जाहिर है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जिन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं अधूरी रही। इसमें से मुख्य मुद्दा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये रोजगार नहीं दे पाए। हमारी साफ सुथरी छवि है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, और साथ ही जो पढ़ने वाले लड़के हैं जो डिग्री या डिप्लोमा धारी उनको 8,500 रुपये महीना देंगे। एक मुद्दा ये हुआ। दूसरा, लाडली बहना के नाम से वोट तो ले लिए, लेकिन ये लोग, इन्होंने वादा किया था कि हम लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, लेकिन फिर अभी चुनाव आया तो इन लोगों
उन्होंने एक किस्त और डाली है, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम उनका 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे। और पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ़ कर चुकी, मनमोहन सिंह के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में 78,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया। और साथ ही कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हमने लगभग 2 किस्तें कर्जे की माफ़ की। हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित तौर पर कर्जा माफ़ करेंगे। साथ ही रोजगार गारंटी में 400 रुपया देंगे, समर्थन मूल्य का हम कानून बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना महामारी के बाद में लोगों के शरीर में बीमारियाँ बहुत आने लगी है, तो हम ये मुद्दा लेके गए कि हम 25 लाख रुपये तक का गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपने जो सावित्री ठाकुर जो है आपकी पसंदी वो कह रही 5 लाख वोटों से जीत रही हूँ, कितना सीमा रखते हैं? अभी 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ था विधानसभा में, हमारे 5 विधायक चुने गए और एक बाउंड्री पे रहे, तो मेरा ये कहना पड़ रहा कि हम उसमें 65,000 की लीड लिए हुए हैं। तो या तो सावित्री ठाकुर जी नींद में बोल रही हो, उनको पता होना चाहिए कि आपके 2 कार्यकाल हुए, आप जिला पंचायत अध्यक्षा रही, आप जिला आप लोकसभा की सांसद रही, लेकिन आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और आप किस हिसाब से बोल रहे हैं, लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल में किया क्या। मुझे उनकी बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, लोग पूछ रहे हैं। तो सावित्री ठाकुर जी नींद में है। एक बदलाव की आवश्यकता है, जिस प्रकार से संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, इनके ही उम्मीदवार कई है, चाहे सावित्री ठाकुर ने कहा है कि मोदी के चुनाव नहीं होना चाहिए, इनके अरुण गोयल जी ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए, तो ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो इनकी मंशा क्लियर है कि देश में चाहे जनपद चुनाव हो, सरपंच चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे मंडी चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव, ये इस प्रकार से अगर तानाशाही करना चाहते थे तो आम व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश के लोग संविधान बचाने के लिए और अपने अधिकारों के लिए वोट देंगे, इसी तौर से कांग्रेस। अगर आज आपने मतदान किया और धार और अन्य 8 सीटों पर क्या स्थिति बन रही है? जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में वोट गिर रहे हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूत स्थिति में धार लोकसभा में निकलेगी। मध्य प्रदेश में कितनी सीट निकल सकती है? कांग्रेस बराबर की स्थिति में, ये चुनाव परिणाम के बाद आपको पता चलेगा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।